hey guys, welcome back to my channel. I am Shivraj Adho. So अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो बता देता हूँ, आई क्रिएट कंटेंट रिलेटेड टू कार, बाइक एज वेल एज साइकिल्स. सो आज की वीडियो में मैं डेकथलॉन की आपको एक ऐसी MTB बताने वाला हूँ जिसे आप काफ़ी रफ यूज़ कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं एंड उससे स्टंट भी कर सकते हैं. सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रॉक राइडर ST100, इसकी क्या अपडेटेड प्राइस है, क्या फीचर्स मिलते हैं एंड मेनली इसकी गियर शिफ्टिंग कैसी है. और एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको गाइस कि मैं अभी डेकथलॉन गया था तो मैंने एक व्लॉग शूट करा है जिसमें मैंने आपको 2021 बिटवीन साइकिल की सारी अपडेटेड प्राइस बताई है एंड वहीं के वर्कशॉप वाले एम्प्लॉय का लेकर आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सी साइकिल बेस्ट रहेगी, किस में क्या फीचर्स मिलते हैं, सारी चीज़ें बताई है. सो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज अगली वीडियो में वही अपलोड करने वाला हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आपको टोटल इसमें 3 साइजेस मिलती है, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल. अभी दोनों ये लार्ज खड़ी है, मैं आपको एक बार स्मॉल वाली भी दिखा देता हूँ. सो ये स्मॉल है, अब आपके अकॉर्डिंग देख सकते हैं एक बार पर्सनली चला करके आपको कौन सी साइज़ कंफर्टेबल है. एंड गाइज अगर आपका इतना बजट नहीं है, आपको एक कम बजट में MTB चाहिए तो आपके लिए रॉक राइडर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, रॉक राइडर ST20. तो आपके अगर 4-5 किलोमीटर रनिंग है तो ये बढ़िया रहने वाली है. ST100 में आपको टोटल 2 कलर्स मिलते हैं, ग्रे एंड रेड, तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. यहाँ पर देखें तो ST100 की बैजिंग मिल जाती है एंड मेनली अगर इसका हैंडल बार डिस्कस करें तो आपको इसमें काफ़ी कंफर्टेबल हैंडल बार मिलता है. लेफ्ट में देखें तो आपको एल्यूमिनियम ब्रेक लीवर्स मिलते हैं जो आप 2 फिंगर से ही लगा सकते हैं. थंब गियर शिफ्टर्स यहाँ से 1-3 लगते हैं एंड राइट साइड से आपको बैक के 1-7 लग जाते हैं. नीचे देखें तो 80mm का फ्रंट सस्पेंशन मिलता है जो कि कॉइल स्प्रिंग है एंड सबसे अच्छी बात मुझे लगी, आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने स्टिफ चाहिए. एज एन MTB आपको कोई भी जर्क महसूस नहीं होने वाला है, आप देख सकते हैं कितने स्मूथ सस्पेंशन है. आपको इसमें मिलता है वी ब्रेक सिस्टम जो कि काफ़ी इसकी अच्छी इफेक्टिव ब्रेकिंग के लिए काम आता है. अब मेनली बात करते हैं टायर्स की, तो आपको हार्टेक्स के टायर्स मिलते हैं जो कि बेस्ट है फॉर टेरेन रोड्स. 27.5 इंचेस का व्हील बेस मिलता है साइकिल का एंड मेनली आप इसका जो फ्रंट व्हील है वो इजीली यहीं से रिमूव कर सकते हैं, आपको सिर्फ फ्रंट व्हील ही रिमूव करने को मिलता है. एंड गाइस सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिसेक्स फ्रेम है तो काफ़ी लाइट है, 15.5 केजीज वेट है. सीट्स देखें तो अर्गो फिट सैडल मिलती जो कि थोड़ी एग्रेसिव है, आप यहीं से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे एंड ये सेम आपको रॉक राइडर ST20 टाइप की सीट्स मिलने वाली है. सीट्स के पीछे आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलता है जो कि काफ़ी डेलिकेट है, मेरा तो टूट चुका है, मतलब आपको केयर से यूज़ करना पड़ेगा. बाकी अब मेनली बात करते हैं गियर्स की, तो आपको इसमें बिटवीन के गियर्स मिलते हैं, फ्रंट में रियर में है 7 एंड फ्रंट में 3, मतलब 7x3 21 गियर्स मिलते हैं. अब इसकी गियर शिफ्टिंग देख लेते हैं. ऑल राइट गाइज, तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी. मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करा बिकॉज मेनली क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिए. एक डिकेथलॉन की बिटवीन साइकिल्स के ऊपर डिटेल वीडियो आने वाली है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बिटवीन साइकिल से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो.